जी नाज़रीन, हमारे सेगमेंट स्टार्ट है, मॉर्निंग शोज भी स्टार्ट हैं। आप यकीनन एंजॉय कर रही होंगी। आपको मैं ये बताती चलूँ कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, वो आप लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती भी चलूँ कि HELLO हेलो, HELLO हेलो, MORNING जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक करें, हमें टेक्स्ट करें, इसके साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर भी चल रहा होगा 02135890271। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो डॉक्टर सरवर एन शाह मौजूद हैं। उन्होंने न्यू अपनी बुक लिखी है शाह की है, और उन्होंने बच्चों पे की है कि पेरेंटिंग जो होती है, मतलब माँ बाप को किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत परवरिश हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे इतना सब कुछ पता है नहीं, आपको भी नहीं पता होगी यकीनन, जो इन सारी चीज़ों की एक्सपर्ट होती हैं या जो बुक राइटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता होता है और वो अच्छी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपनी टीवी के सामने बैठे ही रहें और इन सारी चीज़ों को नोटिस करें, और क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नोटिस करती रहेंगी और इसके अकॉर्डिंगली चलेंगी तो यकीनन आपका जो घर है वो खुशियों का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर सरवर साहिबा, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप एक्चुअली आप तो लॉयर भी हैं, मुझे डॉक्टर से इस तरह से इंट्रोडक्शन करवाना पड़ रहा है। एक्चुअली आप ये सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो ये बुक लिखी है, बुक आपने शाह की है, आपने क्या सोच कर आपके माइंड में ऐसी क्या कौन सी चीज़ आई है? क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली कि लोगों को शौक होता है वो फैशन डिज़ाइनर बने या फिर ब्यूटी एक्सपर्ट बने, इसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं हमारे यहाँ अक्सर, जो हम गेस्ट को मधु करते हैं वो आते हैं, हर्बलिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं। तो आपने क्या सोच कर इस चीज़ को, इस फील्ड को आपने चूज़ किया है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को भी। सालिया, असल में मेरा प्रोफेशन तो लॉयर है और मैं काफ़ी अरसे से इसी फील्ड में काम कर रही थी, लेकिन जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे थोड़े चैलेंजेस का सामना इस तरह हुआ कि वेस्टर्न बुक्स काफ़ी सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी किताबें हैं, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ हमारे कल्चरल एस्पेक्ट से उसमें कुछ कमी है, और जब हम अपने कल्चर और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हमें कई जवाब नहीं मिलते। तो उसके लिए मैंने रिसर्च शुरू की और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रीड की, और ये है कि जो आप उर्दू बुक्स अगर कहीं ढूंढें तो उसके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट में जो बहुत अच्छी चीज़ें हमारी हैं वो मौजूद नहीं है, जो वेस्टर्न बुक्स में इतनी नॉलेज है वो हमारी उर्दू बुक्स में मौजूद नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसी बुक हो जो कि हमारी जो पब्लिक है उनके लिए फ़ायदेमंद हो, और जो हम ट्रायल एंड एरर से गलतियां करके बच्चे पालते रहते हैं तो उसमें हमारी मदर्स को असिस्टेंस मिले और वो उनके लिए मददगार साबित हो। सही, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो वो ट्राई कर रहे होते हैं इधर उधर देख के या ड्रामास में देखते हैं या अपने मोहल्लों में देखते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों पर? जी बिल्कुल, ये होता है कि अगर हम गलती कर देते हैं बच्चों के अंदर उन चीज़ों के असरात पैदा हो जाते हैं, उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बच्चे गुस्सा करने लगते हैं या टैंट्रम्स उनके शुरू हो जाते हैं। अब जब एक चीज़ हो जाती है उसके बाद उसको अंडू करना या उसको करेक्ट करने में ज्यादा मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है अगर मदर्स एक जनरल एक बुक पढ़ लें, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर वो पढ़ना शुरू कर दें, अपने आप को थोड़ा नॉलेजेबल बना लें इस सिलसिले में, तो ये होता है कि बच्चे को शुरू से डील करना आ जाता है, तो वो सिचुएशन आती नहीं है। सही, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो तभी वो स्टडी स्टार्ट कर दें क्योंकि उस टाइम वो फ्री भी होती हैं, जस्ट खाना पीना लेटना सोना आराम करना यही होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर वो बुक मतलब उन्होंने आपकी बुक उठा ली और स्टडी कर रही हैं तो उनको फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे ही हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि नाज़रीन इंजॉय भी करें और इन सारी चीज़ों को आराम आराम से देख कर सीखें भी और सीखते जाएं और फिर इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आए भी। जरूरी नहीं कि मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जस्ट टाइम पास के लिए। हमारे जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो माशाल्लाह ऐसे ही होते हैं कि नाज़रीन का इनमें भला ही होता है, वो देखते हैं खुशी से। तो ये बताएं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जब बेबीज होते हैं तो वो माँ बाप को एक पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुशी होती है उस टाइम कि मेरा बच्चा हो गया है या फिर वो बेटा हो बेटी हो कुछ भी मतलब इस बात की खुशी होती है। फिर ऐसा होता है कि ग्रेजुअली जब वो चल रहे होते हैं थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो या तो बच्चा इरिटेट हो रहा होता है किसी चीज से या तो पेरेंट्स हो रहे होते हैं या बच्चे तो सारी चीज़ें पेरेंट्स को समझने के काबिल होते ही नहीं है उस टाइम। तो ऐसा क्या होता है और या फिर माँ को पेरेंट्स को जो माँ बाप होते हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे उनकी तरफ मोटिवेट रहें और फिर घर में ही खुश भी रहें? जी देखिए साले, इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि अगर पेरेंट्स पहले से दोनों पेरेंट्स
आपस में बातचीत करके ये डिसाइड कर लें कि उनको अपना स्टाइल पेरेंटिंग का किस तरह का रखना है। यानी वो अब ऐसा होता है आमतौर पे कि मदर जो है वो किसी बात पे डांट रही होती है, फादर वही चीज अलाउ करते हैं, तो बच्चे को मिक्स मैसेजेस मिलते हैं। उसकी वजह से फिर जाहिर है बच्चे को वो नहीं पता होता मुझे कैसे रिएक्ट करना है, वो माँ के साथ अलग रिएक्ट करता है, फादर के साथ अलग लिबर्टीज लेता है, तो उसकी वजह से दोनों को ही फिर मदर और फादर को बाद में मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चा दोनों से मैनिपुलेट करके फायदा उठा रहा होता है। तो ये होता है कि माँ बाप अगर थोड़ा सा पहले बातचीत करके एक बात पे एग्री कर लें कि हमें इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल रखना है और हमें ये चीजें अलाउ करनी है, इतना स्क्रीन टाइम टीवी अलाउ करना है, इतना बाहर जाना जाने देना है, पैसे किस तरह बच्चों को हाथ में देने हैं, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें अगर पेरेंट्स डिसाइड कर लें पहले तो उनकी लाइफ भी इजी हो जाती है और बच्चे को भी कंसिस्टेंट एक ही मैसेज मिल रहा होता है, जिससे कि उसको भी अपने बिहेवियर को प्रोजेक्ट करने में आसानी होती है कि माँ बाप क्या अलाउ करेंगे उसको पहले से थोड़ा सा अंदाजा होता है, तो उसी हिसाब से डिवेलप होता है, तो घर में काफी पीस इस तरह हो सकता जी है। सही, मतलब पुरअमन माहौल में रहते हुए वो ये सोचें और अपनी थिंकिंग को एक जैसी रखें बच्चों के लिए, भले वो अपनी लाइफ में अलग अलग रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है दो लोगों की जो है थिंकिंग एक जैसी हो नहीं सकती है, बट वो बच्चों के सामने प्रिटेंड करें इस तरह से। अर्ली एज में बहुत खास तौर से इम्पोर्टेंट होता है कि अर्ली एज में बच्चे को एक ही मैसेज मिले तो वो समझ जाता है कि मेरे लिए ये ठीक है और मुझे इसी को फॉलो करना है। सही, तो अर्ली एज की बात से मुझे एक चीज याद आ गई, ये कौन सी ऐसी एज होती है जिस एज तक बच्चों को बहुत ही ज्यादा ख्याल, मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जरूरत होती है कि वो बहुत ही ज्यादा उनकी वो करें, केयर करें। जी देखिए, बच्चों को हर एक लिहाज से, खाने पीने सोने बैठने बाहर जाने घूमने फिरने। जी देखिए साले, बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत तो हमेशा ही रहती है चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन 0 to 6 की जो एज है ना ये बहुत डेलिकेट होती है, इसमें बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी फॉर्म हो रही होती है, उसको सही गलत अच्छी बुरी हर चीज का उसकी एक पर्सनैलिटी फॉर्म होगी, इन सब चीजों के उसको आइडियाज मिलेंगे और वो उसी हिसाब उसको आगे लेकर चलेगा और अपने सारे बिहेवियर को उसी हिसाब से फॉर्म करेगा। तो ये इतनी डेलिकेट एज होती है कि अगर मदर और फादर उस वक्त मौजूद हैं और हर चीज में गाइड करने के लिए और हर चीज का सही गलत, यानी आपको इवन पेरेंट को ये भी पता होना चाहिए कि आप टोकें या मना करें या अगर पनिशमेंट दे रहे हैं बच्चे को, तो वो आपको हर चीज को उस हिसाब से रखना है कि उसको वही मैसेज मिले जितना आप देना चाह रहे हैं, किसी चीज को इतना ज्यादा लिबरल ना हो जाए कि बच्चा उसकी उसको कहाँ रुकना है वो ना पता हो, या बच्चे को इतने सख्त हो जाए आप बच्चे के साथ कि वो चीज जहां पे करनी चाहिए वो भी ना करे, यानी आप बात करने से मना करते हैं कुछ लोग बच्चे को कि बाहर बैठ या खाने के वक्त ना बोले, तो इतनी सख्ती से बोलते हैं कि बच्चे यानी वो अपने शेल में चले जाते हैं, फिर वो पब्लिक में भी बात नहीं करते, क्लिंगी हो जाते हैं या जी बिल्कुल डरने लगते हैं। तो ये कि हर चीज को मॉडरेट रख के मियाना रवि के साथ और पेरेंट्स एक प्रोग्राम बना के अपना एक प्लान बना के और फिर बच्चों के साथ चले। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं, अगर जैसे बेबीज बहुत छोटे होते हैं वो दूध पीते हैं, तो जब दूध छुड़वा दिया जाता है 2.5-3 साल के बाद, नॉर्मली बिल्कुल भी दूध मतलब वो गाय का हो या किसी भी चीज का पैक वाले दूध वगैरह पीते हैं बच्चे, सारे दूध वगैरह को छुड़वा कर, तो कौन सी ऐसी गिजा का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए माँ को कि वो बच्चे जो उनकी नर्चरिंग में या फिर उनके नशो नुमा में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दूध तो ऐसा है कि मेंटल लेवल भी वो रहे जी, आयरन और खासतौर से कैल्शियम के लिए चीजें जरूरी होती हैं, तो ये होता है कि 2 साल की उम्र तक तो माँ का दूध बहुत रिकमेंडेड है, वर्ल्ड वाइड WHO भी रिकमेंड करता है कि मदर ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं, लेकिन ये होता है कि कई दफा ये पॉसिबल नहीं होता वर्किंग मदर्स के लिए या और कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, तो ये है कि बच्चे की एक तो पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको गिजा दें, और जब दूध छुड़ा दें उसके बाद भी जो ऑर्गेनिक मिल्क है, कोई भी फ्रेश मिल्क है, जो भी मिल्क आप चूज करें अपनी फैमिली के लिए उसको जरूर कंटिन्यू करें। जी अच्छा, बाज बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खामोश तबीयत के होते हैं, तो ऐसे क्या होता है वो शुरू से वो डरे हुए होते हैं या उनके अंदर की किसी चीज की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है या फिर उनकी नेचर में ये चीज होती है? कुछ बच्चे ये है कि नेचर भी बच्चों की होती है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं और उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना चाहे, तो उनके लिए भी एक डीलिंग का तरीका होता है कि अगर पेरेंट को लगता है कि बच्चा शाय है और वो लोगों से मिलना जुलना इतना ज्यादा पसंद नहीं करता,
तो इस तरह कर सकते हैं कि उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस दें, पहले जिन लोग से वो मिलता है, घर के लोग यानी चाचा चाची मामू मामी, इन लोगों से पहले इंटरेक्ट कराएं, फिर थोड़ी और एक्सटेंडेड फैमिली से इंटरेक्ट कराएं। अचानक से बच्चे को मजीद पब्लिक में आप अगर एक्सपोज करेंगे तो और डर जाएगा। तो ये होता है कि ग्रेजुअल अप्रोच उसके लिए बड़ी अच्छी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को उसका कंफर्ट लेवल डेवलप करें, और जब उसका एक लेवल पे कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए उसके बाद उसको नेक्स्ट फेज में लेकर जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, घबराए हुए, लड़कियों का फिर भी एक एज तक चल जाता है कि चलो ये प्रॉब्लम ठीक है, देखी जा सकती है, या फिर कहते हैं कि शाय नेचर है, लड़कियों पे ये सारी चीजें सूट भी करती हैं। बट अगर लड़के इस टाइप के हों तो उनको फिर लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है जी। तो फिर वो तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये भी बताते चले साथ साथ कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो बाप से नहीं डर रहे होते, माँ से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, जबकि माँ का ये होता है कि माँ तो इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली और मतलब बच्चों की सारी गलतियों पे पर्दा रखने वाली भी होती है। बट समटाइम ऐसा होता है कि बाप को बच्चे जो है वो सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं बट माँ से नहीं कर रहे होते हैं, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह सालिया देखिए अपनी पर्सनैलिटी होती है, होता यह कि हर घर का सिस्टम अलग होता है और हर माँ बाप की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। जैसे मेरे घर में हमारे यहाँ पहले तो ऐसे ही लगता था कि फादर से बच्चे डरेंगे और मदर स्पॉइल करेंगी बच्चों को, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि अब फादर ऐसे हैं कि बच्चे मेरी भी कोई शिकायत होती है तो वो फादर से करते हैं जाके, बिकॉज जो माँ पूरा दिन बच्चों के साथ होती है ना तो उसको डिसिप्लिन करना भी उसी का काम है, खाना खिलाना वक्त पे भी उसका काम है, तो हर चीज सारी जिम्मेदारी मदर के ऊपर होती है। तो थोड़ा सा उनके ऊपर ये प्रेशर भी होता है कि वो जहां पे डिसिप्लिन की जरूरत है वहां पे वो थोड़ा सा सख्त हो, तो इसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे थोड़ा सा उन्हीं की बात सुने और फादर से थोड़ा सा ज्यादा क्लोज हो जाए, वो अपने अपने घर की जो सिचुएशन होती है। सही बात है, ठीक है। अच्छा बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से वो घर आते हैं, फिर ट्यूशन के लिए निकलते हैं, फिर वो अरबी के लिए निकलते हैं, तो इस दौरान माँ को किस चीज का ख्याल रखना चाहिए सबसे ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक के पीरियड में? देखिए आजकल के हिसाब से दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि बच्चे जब आप चूज करें अपने बच्चों के लिए स्कूल या कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस या एनरिचमेंट क्लासेस, आप बच्चों को जहां भी भेजें आप ये जरूर देखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वहां किस किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम है, बाहर गार्ड्स हैं या नहीं है, या आपके साथ आप जाएं तो आप वहां रुक रही हैं, या अगर आप छोड़कर आ रही हैं तो उनको देखने के लिए कौन वहां पे मौजूद है, और उनका जहां भी आपने जिस भी ट्यूशन सेंटर में या जहां भी भेजे उनका अपना इंटरनल सिस्टम कैसा है कि वो बच्चे को सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से क्या प्रोवाइड करें। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ये देखें कि आपके घर की फिलॉसफी से वो चीज मैच कर रही है, क्योंकि अगर आप घर में लिबरल हैं और आपके बच्चे के इंस्टीट्यूशन का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट है, या आप घर में स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन हैं और बच्चे का बाहर का माहौल बहुत लिबरल है, तो बच्चे को फिर वो मिक्स मैसेजेस मिलते हैं और उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बिल्कुल स्प्लिट हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि मुझे किस तरह बिहेव करना है, क्योंकि घर में बिहेवियर का सेट अलग होता है और बाहर जो है उसको ज्यादा लिबर्टी या ज्यादा सख्ती मिल रही होती है। तो वो अपने घर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली मतलब स्कूल हो या ट्यूशन सेंटर वगैरह ये सारी चीजें चूज करें। जी बिल्कुल, ठीक है। बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है कि वो सारी चीजों को अडॉप्ट करने लग जाते हैं और वही चीज ऐसी होती है जो उसका उस बच्चे का मतलब बेस बनाती है? जी लर्निंग प्रोसेस तो देखिए जीरो, जिस दिन से बच्चा दुनिया में आता है उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस तो उस वक्त शुरू हो गया। लेकिन ये होता है कि जब बच्चा उठने बैठने लगता है या बोलने लगे तब उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, यानी हम इस तरह कहते हैं बच्चा खड़ा हुआ अब नो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, तो जब हम इस तरह के मैसेजेस देते हैं तब हमें खास तौर से ख्याल रखना है, क्योंकि उस वक्त बच्चे का जो बिहेवियर है और जो फिजिकली जो एक्ट कर रहा है वो चीजें हाँ और ना में ट्रांसलेट हो रही होती हैं, तो उस वक्त बच्चे की लर्निंग इस तरह मैनिफेस्ट हो रही होती है उसकी पर्सनैलिटी में, कि जब वो अगर आप उसको ना कहेंगे तो वो चीज, क्योंकि पेरेंट जो है वो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का, पहली जो तरबियत और जो लेसन्स होते हैं वो माँ बाप और घर से मिलते हैं बच्चे को, तो इसलिए ये होता है कि जो शुरू से जो आप मैसेज दें वो आप सोच समझ के डिसाइड करके प्लान करके और बच्चे को दें और आगे तक उसको कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कंटिन्यू। ये कहा कि पहला जो लर्निंग प्रोसेस होता है स्टेप होता है वो माँ बाप पेरेंट्स और फिर घर वालों का होता है, जाहिर सी बात है। बट जो बच्चे एक बच्चे को अच्छी राह में गामजन करना, वो एक अच्छी राह पर गामजन हो रहा है या फिर कोई अच्छी चीजों को सीख रहा है अडॉप्ट कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा जो बड़ा किरदार होता है वो पेरेंट्स का होता है या सिबलिंग्स का होता है या फिर उसके टीचर्स का होता है? बिल्कुल जी, आई एग्री कम्प्लीटली। और बल्कि मैं
कहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो टीचर का इतना बड़ा रोल होता है कि बच्चा माँ की भी बात नहीं सुनता टीचर के सामने जी। और टीचर की जो पर्सनालिटी और जो उनकी जो बात होती है वो पेरेंट्स से भी ज्यादा मोतबर होती है और बच्चा टीचर की बात के सामने पेरेंट को भी सेकेंड रेट कर देता जी। क्योंकि कहते हैं ना कि बर्थ देने वाली तो माँ होती है बट उसको इंसान बनाने वाले जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चे जो है वो तो जाहिर सी बात है माँ के सामने तो इस तरह से होते हैं कि वो बिल्कुल भी समझते कि मैंने कोई भी गलती कर दी कुछ भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कुछ कोई मतलब डांटने वाला तो कोई है नहीं, पापा होते नहीं है घर पे होल डे। और माँ को ये है कि बच्चा अगर कुछ अगर उसने कुछ कर भी दिया तो ये है कि वो डांटेंगी या फिर समटाइम डांटेंगी भी नहीं, कोई और दूसरा डांट रहा होगा, दादी वगैरह होती है घर पे उन्होंने डांट दिया तो कहती है नहीं नहीं छोड़े छोड़े अम्मा कोई बात नहीं बाद में नहीं करेगा नेक्स्ट नहीं करेगा। तो क्या इस तरह से करना ये भी क्या बच्चे को स्पॉइल करने की तरफ ले जाता है या बच्चे ये समझते हैं कि मेरा कोई प्यार करने वाला है? समटाइम ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में जाते हैं बच्चे, तो ऐसा क्या मतलब ये ठीक होता है माओं का करना या वो बच्चों को स्पॉइल कर रही होती है? देखिए इसमें भी दो तीन चीजें हो सकती हैं कि एक तो यह है कि जब भी आप बच्चे को मना करें आपने किसी भी चीज से बच्चे को रोका तो एक तो आपका जो प्लान है आपके घर का जो माहौल है आप जो वैल्यूज बच्चे को देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने बच्चे को मैसेज दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ऑब्जर्व करना जरूरी है कि बच्चा उसको किस तरह ले रहा है, क्या वो डर गया है, क्या वो आपसे दूर हो रहा है, क्या वो यानी अगर आपने शोर मचाने से मना किया है तो वो बिल्कुल ही अपने शेल में चला गया, उसने खेलना कूदना छोड़ दिया है। तो इन सब चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आप अपने मैसेज को दोबारा करेक्ट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि बच्चे को अगर कोई हार्म हो भी गया कुछ कहने से, अगर बच्चा यानी स्पॉइल भी हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। आप हमेशा कम्युनिकेशन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए और पेरेंट बच्चों से बात करें कि बेटा ऐसा क्या हुआ, तो बच्चा जरूर आपको बताएगा, आपसे शेयर करेगा कि आपने मुझसे इस तरह की बात की है या आपने मना किया है। तो फिर आप बच्चे को, क्योंकि गुस्से में कभी पेरेंट्स इस तरह कोई सख्त मैसेज दे देते हैं या बहुत लिबरल हो जाते हैं, तो उसको करेक्ट करने का भी तरीका होता है कि अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं और बच्चे को देखते रहे कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके मैसेजेस की वजह से, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो माएं होती हैं वो ये कहती हैं कि आने दो तुम्हारे पापा को मैं ये बताऊंगी या फिर तुमने ये गलती की है ना आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी या फिर अभी मैं तुम्हें मारती हूँ रुक जाओ, इस तरह से होता है ना कि नॉर्मल देखा जाता है कि माएं इस तरह से हो जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं। वैसे प्यार करने के टाइम तो ऐसी हो जाती है कि बस उनसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, और जब वो गुस्सा करती हैं या फिर कुछ ऐसे कहती हैं तो इस तरह से कहना चाहिए उनको या फिर जब वो वाकई कंप्लेन भी कर रही होती है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स, क्या बच्चे के क्या मतलब बुरे असरात क्या पड़ते हैं उनके? जी देखिए इसके बहुत सारे बुरे असरात हो सकते हैं। इस तरह के एक तो बच्चा डर जाता है और उसकी पर्सनालिटी थोड़ी क्लोज हो जाती है, वो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देता है नई चीज, जैसे अगर आप बच्चे को कोई चीज छूने से मना करेंगे तो वो जो चीज छूनी चाहिए उससे भी रुकना शुरू हो जाता है, जो काम उसको करना चाहिए या जिस जगह जाना चाहिए वहां से भी वो रुक जाएगा कि मुझे डांट पड़ेगी या इस बात पे तो हमेशा मार पड़ती है या डांटा जाता है, तो इस चीज को वो बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि एक तो मैसेज को क्लियर रखना है कि आप जो बात कर रही है उसको जनरल स्टेटमेंट ना बनाएं बल्कि आप इस तरह बताएं कि बेटा ये वाली चीज को इस तरह नहीं करना। अच्छा ये दूसरा आपने ये जो कहा कि डांटना या बिल्कुल प्रेशराइज करना बच्चे को, तो इससे भी बच्चा घबरा जाता है और वो अपने शेल में चला जाता है। तो इसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि आप खुद पहले अपना टाइम ऑफ ले लें और अपने आप को कूल डाउन कर लें। जब आपने अपने आप को कूल डाउन कर लिया आप आके बच्चे से बात करें कि बेटा आपने जो ये काम किया है इसका ये देखें इससे ये चीज टूट गई या मुझे इतना बुरा लगा या बाहर एम्बैरेसमेंट हुई, तो आप बच्चे को बताएंगे तो उससे ये होता है कि बच्चा उसको ग्रास्प कर सकेगा। अगर एकदम से माँ चीखती है बच्चे के ऊपर तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप जितना बोलती जा रही है वो बच्चा एक बिल्कुल बोर्ड की तरह उसको सुन रहा है, उसके जहन के अंदर नहीं जा रहा, उसके दिल में नहीं उतर रही वो बात, वो घबरा तो, रहा है। बिल्कुल वो घबरा चुका है और उसने अपने आप को बंद कर लिया है, अब आपकी बात उसको समझ ही नहीं आ रही क्योंकि वो डर चुका है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को कूल ऑफ करें, पहले थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, आप पानी पी लें और रूम में बैठ जाए थोड़ी देर, तो बैठ जाए बैठिए बिल्कुल एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स कर लें कूलिंग ऑफ पीरियड और उसके बाद फिर बच्चे से जाके आप कम्युनिकेट करें और बच्चे बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप ये टेक्निक करके देखें तो यू विल सी कि बच्चों का इतना ज्यादा वो आपसे प्यार भी करते हैं, वो आपको प्लीज भी करना चाहते हैं और वो अपना उनकी खुद विल होती है कि वो अपने बिहेवियर को अच्छा करें
और उनकी तारीफ हो और उनकी मदर और फादर उनसे खुश रहे, ये उनकी अपनी भी बच्चों के अंदर से ख्वाहिश होती है। और अगर आप अच्छी तरह उनको मैसेज कन्वे करेंगे तो वो जरूर आपको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। सही बात है। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है कि माएं जो होती हैं वो कहती हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं लड़के हों या लड़कियां, तो कहते हैं कि आप घर पे बुला लो, घर पे खेलो, अपने रूम में खेलो या फिर छत पे चले जाओ, बट बाहर जाकर मत खेलो, गलियों में ना खेलो या फिर ग्राउंड में जाकर ना खेला करो। तो क्यों मना करती हूँ? ये मना करना क्या ठीक होता है? क्योंकि बच्चे का जो जहन होता है वो इतना बड़ा होता है नहीं कि वो खुल के या फिर अच्छे तरीके से सोच पाए, तो क्या इस वजह से वो बच्चे और माँ का जो होता है रिलेशन आपस में वो खराब होता है? बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन इसके भी दो तीन तरीके हैं। आजकल जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की सिक्योरिटी कंडीशंस है, माओं का मना करना भी बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मना करना या गली या कोई भी ऐसी अनसेफ जगह पे जाने से मना करना, ये बिल्कुल फितरी है। और माँ मना करती है तो बिल्कुल इस बात को, लेकिन बच्चा इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। इस वक्त उसकी समझ में नहीं आता कि मुझे किस लिए मना किया जा रहा है, जो काम मुझे इतना पसंद है उस काम से मुझे रोक रही है माँ, तो माँ विलन बन जाती है और वो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करते। तो इसका तरीका ये कि अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो वहां पे मदर्स जो है एक अपना ग्रुप बना लें इस तरह का, कि रोज एक कोई मदर बच्चों को वॉच कर ले, और यानी बच्चे खेल रहे हैं और एक मदर बाहर हो या वो टहल ले या उस वक्त वॉक कर ले, ताकि वो बिल्कुल उनकी नजर वहां पे हो, ताकि बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल हो जाए। और कम्युनिटी एक नेटवर्क है, सब बच्चों को मोहल्ले में लोग जानते ही हैं, तो ये होता है कि सबका बच्चे घर चले गए।
10 की एज लेवल के भी लोग हैं, तो उनको बड़ी आसानी हो जाती है इसमें कि इंसान बच्चा उस घर में रहते हुए हर लेवल के साथ डील करना, किस कहाँ रिस्पेक्ट है, कहाँ आपको काम करने के लिए कहना है, किसका उठ के आपको काम करना है, ये सब चीजें बच्चा घर के अंदर ही सीख लेता है। तो बड़े भाई बहन को अगर थोड़ा सा पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करें तो वो एम्पावर्ड फील करते हैं, और अगर उनको जिद करके जबरदस्ती कहा जाए कि नहीं छोटे भाई बहन के साथ खेलो, तो उनको लगता है कि मेरे साथ मेरा टाइम खेलने का वेस्ट हो रहा है, और मुझे छोटे भाई बहन के साथ एक तरह से मुझे जबरदस्ती उनकी बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा आप एम्पावर करें बच्चे को, उसके अंदर शौक पैदा करें, अगर पढ़ाना है छोटे भाई बहन को या उनके साथ खेलना है तो आप उनको एम्पावर करें ताकि वो शौक से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करें, और फिर उनको मोटिवेट करें, उनको बकअप करें, उनको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने घर के किसी काम में या अपने भाई बहन की अपब्रिंगिंग में आपके साथ पार्टिसिपेट किया। तो उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, उनको लगता है कि उन्होंने कोई काम किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चों को मिलता है। तो बड़े बच्चे और छोटे बच्चे इस तरह बड़ी अच्छी तरह एमलगेमेट हो जाते हैं। सही, आपने बताया कि आप लॉयर भी हैं और जैसे आपने भुक्शा की हुई है, आप मैरिड भी हैं, तो इन सारी चीजों को किस तरह से लेकर चलती हैं? प्रॉब्लम नहीं होती आपकी पर्सनल लाइफ? नहीं, प्रॉब्लम कुछ खास नहीं होती है। असल में यूं है कि मेरा प्रोफेशन तो लॉयर है, प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि बच्चों के होने के बाद मेरी प्रायोरिटी हमेशा से बच्चे रहे। अच्छा, और ये है कि मेरा पैशन है पेरेंटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि एक जब तक बच्चे बड़े हो रहे हैं तब तक मैं इस चीज को अपना पूरा वक्त दे दूं, और जब बच्चे एक अपने लेवल पे आ जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर आई कैन ऑलवेज गो बैक। ओके सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।